आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट आता है उसको हम कैसे एक एक पॉइंट को समझें, कहाँ कौन सा चार्ज लगा है, कहाँ कौन सा आपने स्पेंड किया है, कहाँ कौन सा रिवार्ड पॉइंट कितने मिले हैं, और इसके साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ उस स्टेटमेंट में देखने को मिलती है, क्या हमें देखना ज़रूरी है उस स्टेटमेंट में, क्या नहीं है, और कैसे उसको हम समझें और कैसे हम मैच करें। आज मैं आपको लाइव इसको करके बताऊंगा अपना जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो मेरा जो स्टेटमेंट है उसको आपको एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या स्टेटमेंट में देखना ज़रूरी होता है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं धीरज सिंह राजपूत, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैग धीरज में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बने रहिए मेरे इस वीडियो में, अंत तक बताऊंगा एक एक पॉइंट आपको स्टेटमेंट के बारे में। ये है मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो मेल पे आता है, उसे मैंने पीडीएफ में ओपन करके और प्रिंट आउट निकलवा के लाया हूँ, जिसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ कि किस तरीके से हमें किस किस चीज़ से जो क्रेडिट कार्ड के जो स्टेटमेंट में हमें क्या क्या देखना ज़रूरी है और कैसे और क्या चीज़ देखें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सबसे एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर हमारा नाम दिखाई देगा, जो हमारे क्रेडिट कार्ड के जो फ्रंट पेज पे आपको लिखा हुआ होता है वही क्रेडिट कार्ड यहाँ पर नाम आएगा। उसके बाद आपका ये आएगा एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस के बाद आपको यहाँ पर आपका कार्ड नंबर होगा पूरा का पूरा, जो आपको किसी में स्टेटमेंट में पूरा आता है और किसी में ये क्या XX के साथ और लास्ट वाले चार डिजिट आते हैं। उसके बाद टोटल अमाउंट ड्यू आपका कितना है इस बार आपको पेमेंट, और उसके बाद उसका मिनिमम ड्यू कितना है, जो एक एक्चुअल अकाउंट थोड़ा सा अमाउंट होता है जो आपको जिससे सिविल स्कोर आप बचा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होता है वो है। ठीक है, इसमें आपको बता रखा है ₹1 एक्स्ट्रा जमा है CR, अगर ये DR होता है ₹1 तो मुझे ₹1 का पेमेंट करना होता, क्योंकि मैंने इस कार्ड को ऑटोमेटिक मेरा स्विच ऑफ कर रखा है, मैं इससे पेमेंट अब मतलब यूटिलाइज़ नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, इसलिए इसमें ₹1 एक्स्ट्रा जमा है तो वो दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं स्टेटमेंट डेट। स्टेटमेंट डेट वो होती है जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, तो 11 फरवरी या फिर हर मंथ की 11 तारीख को मेरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट बनता है। तो इसी तरीके से आपका भी अगर क्रेडिट कार्ड में किसी स्टेटमेंट डेट एक फिक्स होगी कि उस तारीख को आपको डेट में स्टेटमेंट बनेगा, और उसके बाद आपकी ड्यू डेट होगी जिस तारीख को आपको पेमेंट करना होगा। तो मेरी 11 फरवरी स्टेटमेंट डेट है और 5 मार्च अब मेरी ड्यू डेट है, क्योंकि 20 दिन का अंतर इन दोनों के बीच में हो जाता है, क्योंकि फरवरी 28 महीने की होती है इसलिए। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट डेट हुई और ये ड्यू डेट हुई, तो इसको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट डेट जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, इन दोनों के बीच में 20 दिन का टाइम होता है, उसके बाद आपको ये पेमेंट करना होता है कि ये आपकी ड्यू डेट हो गई। ड्यू डेट का मतलब जिस दिन आपको पेमेंट करना है वो स्टेटमेंट डेट, वो जो आपको अभी तक 30 दिन के भीतर आपने जो खर्चे किए हैं, मैंने इसमें जो खर्चे मेरे अगर ऐड होके आएंगे तो 11 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में जो खर्चे मैंने किए हैं उनका एक साथ पेमेंट बन के और ये 11 तारीख को बन गया, रेडी हो गया है आपका, आपको उसका पेमेंट 5 मार्च से पहले पहले आपको करना है। ठीक है, तो ये हुआ स्टेटमेंट और ड्यू डेट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर हमारे बताएगा हमारे कार्ड की टोटल लिमिट कितनी है, आप कैश कितना निकाल सकते हो इस कार्ड से। ठीक है, टोटल लिमिट मेरी ये है, कैश में इतना निकाल सकता हूँ, इसके अलावा अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, मेरी टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ स्पेंड नहीं किया है तो इसमें मेरी पूरी की पूरी लिमिट जमा है, ₹1 मैंने एक्स्ट्रा जमा किया था तो वो ₹1 इसमें मेरा ऑलरेडी जमा है। ठीक है, तो मेरी जो अवेलेबल लिमिट है पूरी है, अगर आप इसमें से खर्च करते हैं तो वो लिमिट यहाँ से कट जाती है। ठीक है, इसके बाद पेमेंट ड्यू डेट आपको 5 मार्च दे रखी है, 5 मार्च को मुझे -₹1 का पेमेंट करना है, मतलब मुझे कोई पेमेंट नहीं करना है। और स्टेटमेंट डेट मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर समझा दी, 11 फरवरी स्टेटमेंट डेट होती है, 30 दिन के भीतर जो आप खर्चा करते हैं वो स्टेटमेंट डेट होती है। ठीक है, अगर मैं ये पेमेंट नहीं करता हूँ तो मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.49% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पेमेंट करना पड़ेगा इसके ऊपर 3.49। इसके बाद चलते हैं हम प्रीवियस बैलेंस, जो पिछले मंथ मैंने जो खर्च किया था, पिछले मंथ के जो स्टेटमेंट में मैंने जो अमाउंट खर्च किया था वो ये था। ठीक है,
और पेमेंट मैंने टोटल जो किया था अपना वो किया था 4346 रुपये का। पुराना जो पेमेंट मैंने जो किया था वो ये किया था, ठीक है, कि टोटल पेमेंट मैंने ये किया था 4346 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं परचेज, मैंने 2100 रुपये की इस मंथ मैंने परचेजिंग करी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 2100 रुपये की इसमें टोटल मंथ परचेजिंग मतलब स्पेंड मैंने 2100 रुपये करे हैं, 2200 पुराने हैं तो 4300, 45 रुपये का GST लगा है 18% के हिसाब से मेरे को, तो टोटल मिला के 4346 रुपये हो गए। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहाँ चलता हूँ कैश एडवांस, कैश मैंने नहीं निकाला तो उसका कोई चार्ज नहीं लगा, 45 रुपये मुझे चार्ज लगा है टोटल इन चीज़ों पर क्रेडिट इनका यूटिलाइजेशन करने पर, 1 रुपये का मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट ऑलरेडी कर रखा था वो लगाए। क्लियर, अब यहाँ पर चलते हैं, ये मेरा कार्ड नंबर, यहाँ मेरा मोबाइल, मेरा नाम, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा मुझे अपना प्राइमरी, मेरे कार्ड का जो नेम है वो मिलेगा, उसके बाद प्रीवियस बैलेंस 2200 रुपये मेरा था, 45 रुपये का मुझे GST लगा है, 80 रुपये मैंने शर्मा फ्लोर मील पे स्पेंड किए, फिर उसके बाद 100 रुपये स्पेंड किए शर्मा फ्लोर मील पर, फिर उसके बाद 1920 रुपये मैंने फिर शर्मा फ्लोर मील पे स्पेंड किए, उसके बाद 1 रुपये का मैंने पेमेंट SCB क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया था 1 रुपये का। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपना जो टोटल बिल बना था 2100 रुपये का, तो 2200 रुपये का तो पहले और उसके बाद 2100 रुपये का, तो मैंने जो इस मंथ का पहले मंथ का और दूसरे मंथ का पेमेंट मैंने एक साथ कर दिया था, क्योंकि मुझे ये कार्ड का अब ट्रांजेक्शन करना नहीं था, इसलिए मैंने इसे स्विच ऑफ करना था, इसलिए दोनों मंथ का पेमेंट मैं एक साथ कर दिया। चाहता तो मैं प्रीवियस मंथ के 2200 रुपये का ही पेमेंट करके इसको रख सकता था, बट मैंने इसमें जो पेमेंट किया था वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली मैंने कर दिया है, तो टोटल मिला के मेरा 1 रुपये एक्स्ट्रा जमा हुआ है जो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है, यहाँ पर क्रेडिट लिमिट में मेरी अवेलेबल क्रेडिट में 1 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो जो जहाँ पर हम पेमेंट करेंगे उसके आगे लिखा आएगा CR, और जहाँ पर आप उन पेमेंट नहीं करेंगे कहीं कहीं DR लिखा आता है, किसी किसी स्टेटमेंट, किसी बैंक के स्टेटमेंट और किसी में नहीं लिखा आता है, जैसे कि इसमें नहीं लिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं इसमें रिवार्ड पॉइंट, मेरे पिछले जो रिवार्ड पॉइंट थे 13 रिवार्ड पॉइंट थे। ठीक है, इस मंथ मैंने जो स्पेंड किए थे टोटल 4300 रुपये, उसमें मुझे 14 रिवार्ड पॉइंट मिले हैं। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर 27 रिवार्ड पॉइंट हो गए हैं, तो ये मेरा पूरा टोटल स्टेटमेंट है जो मैंने कम समरी के साथ मेरे को ये समझाया है। तो इस तरीके से हम अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के मेन मेन पॉइंट को हम समझ सकते हैं। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास अवेलेबल लिमिट देखनी है, हमने क्या क्या स्पेंड किया है, कहाँ कहाँ किया है, वो सारे खर्चे हम यहाँ से मैच कर सकते हैं स्टेटमेंट से। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम बैंक में कॉल, कस्टमर केयर को कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप राय अपनी ज़रूर देना, और स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।